दोस्तों, ये रहा वो फ़ोन जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमें मिलेगा ये नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि आप लोग को ये फ़ोन मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा, आप लोग को फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए थे, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रीड किए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन के मैं जवाब नहीं दे पाई थी। तो सबसे पहले बात कर लेंगे, ये है वो, लगभग 10,000 के आसपास होगा। कैसे मिलेगा वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सर दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत खास होने वाली है। तो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं, टनान, ये रहा वो फ़ोन जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन किए थे, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रीड किए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस के मैं जवाब नहीं दे पाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दीजिए, ताकि आप लोग के मोस्टली क्वेश्चन डाउट्स क्लियर कर सकूँ। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे, है वो गैलेक्सी, सो सैमसंग गैलेक्सी A04, जो कि लगभग 10,000 के आसपास होगा। तो कई लोगों को कैसे मिल भी गया होगा, कई कॉलेज के अभी नहीं भी मिले होंगे, और बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुझे कब मिला। 2023 में मेरा बीएड कंप्लीट हो चुका है, और अक्टूबर में मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, और दिसंबर के लास्ट वीक में हमें ये कॉलेज से मिला था। तो यानी कि बोल सकते हैं बीएड फाइनल करने के बाद हम लोग को ये कॉलेज से मिला। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमने फॉर्म भरा था, कब भरा था और कैसे भरा था। दोस्तों, हमने फर्स्ट ईयर में इसका फॉर्म भरा था, एक तो लैपटॉप का भी भरा था और इसका भी भरा था। कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी जहाँ से आप लोग कर रहे होंगे वहाँ से आप लोगों ने भरे ही होंगे। मोस्टली सारे कॉलेज यूपी के, सारे जहाँ से आप लोग कर रहे हैं वहाँ से सारे कॉलेज में भरवाया गया होगा। तो मुझे तो गाइस दिसंबर में मिला था, तो अभी भी मिल रहे हैं, बहुत कॉलेज अभी भी दे रही हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी वेट कर लीजिए, हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा, मैंने देखे भी मेरे आसपास के जो कॉलेज हैं वहाँ पे अभी भी दिया जा रहा है, स्मार्टफोन टैबलेट्स जैसे कोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। और तो आप लोग को भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अगर आपने फॉर्म भरा है इसका, स्मार्टफोन का अगर आपने फॉर्म भरा है और आपके कॉलेज लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको 100% ये स्मार्टफोन मिलेगा। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फरवरी लग गया है, तो हो सकता है अभी धीरे धीरे आपकी आप तक पहुंच जाएगा। तो और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी, और आज की वीडियो में मुझे यही बताना था। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपने फॉर्म भरा है, कॉलेज लिस्ट में आपका नाम है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, अपने कॉलेज में जाके पूछ सकते हैं कि हमें हमारे जो ये फ़ोन स्मार्टफोन योजना में हमारे लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं, तो आपको बिल्कुल मिलेगा। और धीरे धीरे सब जगह प्रोसेस चल रहा है। जिन जिनको ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, अगर आपने फॉर्म भरा है, आपके कॉलेज लिस्ट में आपका नाम है, तो बिल्कुल मिलेगा, परेशान मत होइए। दोस्तों, आज की वीडियो में मिली थी आप लोगों को, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स थे, कई लोग बहुत परेशान थे। कुछ सिस्टर थी जो जिन्होंने कमेंट किया था कि हमें मिलेगा कि नहीं, मेरा सेकेंड सेमेस्टर है, मेरा फर्स्ट ईयर है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। तो आप लोग में से जिनको जिनको ये स्मार्टफोन टैबलेट मिल चुका है, और आपने क्या किया है कोर्स में, बीए है, एमए है, बीएड है, या जो भी है, तो वो भी कमेंट करिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस लव यू ऑल, बाय बाय।